तो हाँ जी, मैं हो चुका हूँ रेडी हिमाचलम जाने के लिए, जो कि हमारे रूम से अप्रॉक्स 15 से 16 किलोमीटर दूर है। तो हम जाने वाले हैं ट्रेन से, पहले जाते कुछ खाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी। खाने के बाद रेलवे स्टेशन, वहाँ से हिमाचलम की ट्रेन पकड़ेंगे। आ चुकी है वेज थाली। वेज थाली में क्या क्या दिया है? थोड़ा पापड़ भी है, अचार है, और ये करेला का फ्राई है, दाल है, फाइनली तो बैठ चुका हूँ ऑटो में। लोग इतने बड़े कमीने हैं, आने तक फाइनली पहुंच चुके रेलवे स्टेशन। दिवल दीपांकर सर जा रहे टिकट के लिए और हम सब जाएंगे प्लेटफॉर्म। अभी निकलेंगे हिमाचलम के लिए। पहले विवेक सर से कंट्रोल नहीं हुआ खाना, तो जाना है तो अभी भी ट्रेन नहीं खा, खाना भूख कंट्रोल नहीं हुआ, तब खा लेता अपने साथ। ठीक है ना, चलना खाना, चलो ना। हुआ ये तो बोल रहे हैं कि ट्रेन से जाओगे तो पैसा वेस्ट है, यहाँ से ट्रेन पकड़ोगे फिर वहाँ से 6 किलोमीटर मंदिर के ऊपर चढ़ना है, तो उससे अच्छा सीधा बस में जाओ, मंदिर के ऊपर ही चढ़ा के दे देगा आपको सीधा, पैसा भी बच जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा, यही बोल रहे हैं बस। बस यार एक चीज दिक्कत, यहाँ बस हर जगह में पता नहीं तेलुगु या तमिल में लिखी हुई है और हिंदी या इंग्लिश, सॉरी हिंदी तो सवाल ही नहीं होता, हिंदी में लिखा रहेगा पर इंग्लिश में भी नहीं लिखा रहता है, तो दिक्कत पड़ती है पढ़ने में यार, कौन कहाँ जाएगा। सामने एक बस खड़ी है जो कि पूरी तेलुगु तमिल में बोर्ड में उसके लग लिखा हुआ है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है करके, इसी बात का दिक्कत होता है। पहुँचने वाले हिमाचलम मंदिर, और ये कम से कम मैं 10 बार भूल चुका हूँ, हिमाचलम मंदिर, हिमाचलम मंदिर, हर बार याद दिलाना पड़ता है। पहले यहाँ से ही नज़ारा चालू हो गया, बड़े बड़े पहाड़, एकदम पहाड़। पर मैं कैमरा में ले नहीं सकता क्योंकि ना धुंधले हैं, बहुत ज़्यादा धुंधले हैं, मतलब फॉग है, फिर धुएं के चक्कर में नहीं दिख रहे और ना ही कैमरे में आएंगे। मंदिर आ गई, आपको दिखाता हूँ ना बस सही, इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, तो मस्त दिख रही है। फाइनली हम लोग लैंड हो गए हैं, मतलब उतर गए हैं बस से। इतना बड़ा बरगद का पेड़ है भाई, सब लोग फोटो वोटो में बिजी हो गए अभी, लेकिन यहाँ से मंदिर दिख रहा है यार, जैसे टीवी में दिखाया जाता है, एकदम एक नंबर जीरोक्स वाइसी मंदिर है। मैं आपको दिखाता हूँ ना फ्रंट कैम और बैक कैम से। भाई माना पड़ेगा, नीचे अलग दुनिया है और ऊपर अलग दुनिया है, एकदम अलग अलग लेवल का, अलग अलग। वाह यहाँ मंदिर, बहुत मंदिर की पूरी सामग्री मिलेगी आपको, अलग दुनिया, मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ एक गांव ऑलरेडी बसा हुआ है। अरे बाप रे, तो और ऊपर भी ले जाएंगे तुमको? नहीं, वो ऊपर देखो बड़ी गेट है, नहीं जा सकते और नहीं जाएंगे। नहीं पता, ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी गेट है, वो कहीं जाती है कि नहीं जाती पता कर लेंगे पहले। पहले तो यहाँ आस पास जो दुकान है मैं आपको दिखा देता हूँ, दुकान में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या मिलता है। डे वन से कम्युनिकेशन की इतनी बड़ी मतलब मुसीबत है ना, बहुत कम लोगों को आता है यहाँ पे हिंदी यार, बहुत कम लोगों को आता, तो ना बोलने की बात समझी। कल ये 100% बहुत हल्का है, एकदम लाइट वेट है। चलो देखते, और कुछ मम्मी और दादी के लिए भी कुछ ले लूंगा यहाँ से मैं।
मैं आपको दिखाता हूँ ना सीढ़िया चलन भाई, मेरे को अभी तक याद ही नहीं हुआ पता नहीं जगह में याद ही नहीं हो रहा मेरे को। सीमाचलन फिर से बोल ये है सीढ़िया वेल। पूरी जो सीढ़ी है सब में हल्दी और कुमकुम लगाया गया है पूरी सीढ़ियों में, पता नहीं क्यों लगाया गया पर अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है, स्मेल भी अच्छा आ रहा है। हाँ और इतना अच्छा स्मेल आ रहा है हल्दी और कुमकुम की, मस्त लग रहा है। वाह सबसे सुंदर सबसे बेस्ट जगह है। वेल मंदिर अभी बंद हो चुका है, वो खुलने वाली है 3:30 को, तो अभी हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए बंद है मंदिर। क्या करेंगे जाने अंदर, तो बंद है मंदिर, जाके भी कुछ नहीं होगा, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ आसपास घूम ले जाओ देख लेते हैं थोड़ा, इसके बाद जाके मंदिर जाएंगे। फिलहाल तो उसका आइसक्रीम खाने का सोच रहा है, खाते हैं आइसक्रीम फिर देखते हैं। वेल यहाँ सब आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम खाने के बाद रेस्ट करेंगे इसी छाँव में, और फिर थोड़ा यहाँ आसपास तो जंगल वंगल मतलब जो भी है मंदिर वगैरह छोटे छोटे मोटे मंदिर सब घूमने। खा पी लिया मतलब सिंपल सा नाश्ता वास्ता किया, अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर, तो उधर शायद ही फ़ोन अलाउ है। वेल देखते हैं अगर कोई कुछ बोलता है या फिर कहीं पर कोई बोर्ड लिखा रहता है तो हम फ़ोन रख देंगे वापस, वहाँ तब तक तो ब्लॉगिंग कर ही सकते हैं। यहाँ पे हम लोग शूज़ रख रहे हैं रैक पे, ईच पेयर 2 रुपीज करके, तो शूज़ रख रहे हैं ताकि शूज़ चोरी ना हो जाए, वरना मंदिर में तो चप्पल चुराना चोरी होना चुराना आम बात है। आ लिया चप्पल और जा रहे सीधे मंदिर साइड, बहुत लंबी लाइन है जहाँ, और मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा घूरते रहते हैं थोड़ा अजीब लगता है। हमने मास्क पहन लिया और मास्क पहनना कंपलसरी है, विदाउट मास्क के अंदर एंट्री नहीं देनी। गड़बड़ होगी, अंदर मोबाइल लेना अलाउ नहीं है, वहाँ चेकिंग चल रही है, तो मैं जा रहा हूँ बाजू में ही मोबाइल डिपॉजिट सेंटर, वहाँ मोबाइल डिपॉजिट करता हूँ और फिर आता हूँ जाता हूँ मंदिर में। हो गया हमने मंदिर के दर्शन कर लिए, अब हम लोग जा रहे थोड़ा यहाँ वहाँ घूमने मतलब आस पास दुकान वकान वो सब देखने के लिए, पर वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था और शुक्र है कि मैंने फ़ोन नहीं लिया, मतलब अच्छा हुआ कि मैं फ़ोन लेके नहीं गया, क्योंकि बता रहे थे कि अगर वहाँ पे फ़ोन पकड़े जाता तो फ़ोन को दान पेटी के अंदर डाल देते, तो मतलब बुरा इसलिए लगता कि फ़ोन, शुक्र है मैंने फ़ोन लेके नहीं गया, वो टाइम पे मैंने फ़ोन वापस कर दिया था। क्योंकि जगह बहुत प्यारी, मतलब कोई सोच नहीं सकता कि एकदम एक पहाड़ के बीच इतना अच्छा एक मतलब एक अलग ही दुनिया है। यहाँ छोटा सा आश्रम भी है, लोग चाहे तो रुक सकते हैं, और सुबह और शाम दो टाइम खाना मिलता है एज अ फ्री भक्तों के लिए, और ये पीछे जो है कुटिया वुटिया दिख रही है, ये लोग चाहे तो रुक सकते हैं जब बहुत धूप वूप हो, एज अ फ्री सर्विस आप चाहे अंदर बैठ सकते हैं। तो हो गया यार और नहीं घूम सकते हम लोग यहाँ पे, क्योंकि टाइम हो जा रहा है 6 बजे लास्ट बस है यहाँ की, जो कि आर के बीच जो अपना होटल है उसके लिए, तो हम लोग डायरेक्ट भी यहीं से डायरेक्ट। हाँ यहीं से 6 बजे। हाँ यहीं से 6 बजे कि नीचे से नीचे से नीचे से। अच्छा तो नीचे जाना पड़ेगा 15 मिनट लगे तो। हाँ अब नीचे जाएंगे, नीचे वहीं पे बस आएगी 6 बजे, वहीं से निकलना है डायरेक्ट, और हाथ में मौली बांध देंगे। कौन चिल्ला रहा है यार, कोई पता नहीं, छोड़ो यार, अभी हाथ में मौली बांध देंगे। मज़ा तो बहुत आया, बहुत लंबी भीड़ थी, बाप रे बहुत लंबी भीड़ थी। देखते हैं यार यहाँ आसपास दुकान में, पुत्र दुकान घुमा लेता हूँ उसके बाद बात करते हैं। चलो यहाँ तो घूम के आते हैं, शॉप से देखते हैं। अरे शॉप दुकान तो बंद हो गया है यहाँ पे, रात हो रहा होगा ना। चलो घूम के आते हैं एक बार आराम से।
चने वने का दुकान है तो बांध के देगा तो बांधना पड़ेगा। ये चूड़िया यहाँ से वस्ते अपनी चूड़िया ले ले था। मैंने अपने लिए घर में सबके लिए मौली धागा ले लिया है हाथ में बांधने वाला। अब हो गया। हाँ बस तो आई, बहुत तगड़ी भीड़ है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि जा पाएंगे ठीक से। वाह ये पूरी बस पैक्ड है। मैं दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बीच में बीच में पर टैप करो, बीच में वहाँ पे नहीं, स्क्रीन के बीच में फोकस के लिए। यहाँ से निकले डायरेक्ट आर के बीच के लिए। वेल यहाँ पे तो मम्मी चल रहा है ना, हम लोग आया तो आ तो गए यहाँ पे, पर जा नहीं पा रहे क्योंकि ना ये कह रही है कि ये कॉम्प्लेक्स तक ही जाएगा, बट डाउट है ये कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है यार, समझ में नहीं आ रहा है। तो बोल रहे रेलवे स्टेशन के आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो वहीं पे जाएगा, तुम लोग वहीं पे जाएंगे। हमने घूम लिया मंदिर वंदिर, बहुत जगह मस्ती की है,